बढ़ते आगे। हरदोई में सरकार के निशुल्क बिजली कनेक्शन देने में बिजली विभाग के कर्मचारी रोना रोड़ा बना रहे हैं और गरीबों के घर में उजाला करने के लिए कनेक्शन और मीटर के नाम पर कर्मचारियों को पैसे देने पड़ रहे हैं। मामला बिलग्राम विद्युत उपकेंद्र का है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्मचारी विद्यासागर उपभोक्ता से मीटर लगाने के नाम पर पैसे लेकर उन पैसों की रसीद न देने की बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी विद्युत उपकेंद्र बिलग्राम में चपरासी के पद पर तैनात है और जिसका वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि सरकार सौभाग्य योजना के तहत लोगों को मुफ्त कनेक्शन दे रही है, जिसमें उपभोक्ताओं को मिलने वाले कनेक्शन में मीटर वायर आदि उपकरण मुफ्त दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी कनेक्शन और मीटर लगाने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो पर एडीएम हरदोई संजय ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। संभवतः विद्युत विभाग का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो है। इसके संबंध में मैं विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से भी जांच करा करके और जो प्रभावी विधि कार्रवाई कराएंगे। आरोप इसमें कथित आरोप हैं पैसे लेने देने के, अब इसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।